उनका शुक्र करते हैं। हम एक बच्चे साहिल के लिए दुआ कर रहे थे लास्ट संडे से, और आज क्या दिन है, आज आज थर्सडे है, वीरवार है। वो बच्चा आईसीयू में था और खुदावंद ने उसको शिफा दे दी है। हमने कल भी उस बच्चे के लिए दुआ की थी सबने मिलकर, और अभी मुझे बहन नाजिया बता रही हैं कि खुदावंद ने उस बच्चे को डिस्चार्ज किया है, शिफा दी है, और वो अपने घर चला गया है। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं। इंडिया में था ये बच्चा और वो बच्चा सेहत लेकर अपने घर चला गया। हम शुक्रगुजारी करते हैं उस बच्चे के लिए भी जिसको खुदावंद ने जिंदगी दी है अभी, जिसके लिए हम दुआ कर रहे थे, जिसकी हेड इंजरी हुई है, उसकी दो हड्डियां टूट गई हैं सर की। ये बड़ा डेंजरस होता है, वो हड्डी टूट के दिमाग के अंदर भी जा सकती है, लेकिन खुदावंद ने उस बच्चे को जिंदगी दी। ओके सॉरी मैं भूल गया, इंडिया में नहीं पाकिस्तान में ये बच्चा है। और बेटा नाजी आप खुद ही बता दें, हमने उस बच्चे को डिस्चार्ज किया है, शिफा दी है, और वो अपने घर चला गया है। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं। इंडिया में था ये बच्चा और वो बच्चा सेहत लेकर अपने घर चला गया। हम शुक्रगुजारी करते हैं उस बच्चे के लिए भी जिसको खुदावंद ने जिंदगी दी है अभी, जिसके लिए हम दुआ कर रहे थे, जिसकी हेड इंजरी हुई है, उसकी दो हड्डियां टूट गई हैं सर की। ये बड़ा डेंजरस होता है, वो हड्डी टूट के दिमाग के अंदर भी जा सकती है, लेकिन खुदावंद ने उस बच्चे को जिंदगी दी। ओके सॉरी मैं भूल गया, इंडिया में नहीं पाकिस्तान में ये बच्चा है। और बेटा नाजी आप खुद ही बता दें, लोगों को लगेगा मैं अपने को ही दसदा रहना वा चीजा। श्याम भाई, सबको श्याम सलाम बेटा जेम्स जी, कह की। रहे हैं आप एमसी की बेटा। जी भाई, वो बच्चे की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। बच्चा बोल भी नहीं सकता, 4 साल का बच्चा, और बच्चा बोल भी नहीं सकता और चलता फिरता भी नहीं है। तो तकरीबन वो 6-7 माह से बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एक हफ्ते से वो हॉस्पिटल में एडमिट था। तो उस वजह से उसकी मदर ने प्रेयर करवाई थी कि आप प्रेयर करें ताकि ये बच्चा मेरा ठीक हो जाए। और वो आज वो बता रही थी कि बच्चे ने एक लफ्ज बोला भी है कुछ, और वो उन्होंने वर्ड बोला था लेकिन वो मुझे भूल गया कि बोला, एक वर्ड आज बच्चे ने बोला। 4 साल आमिर का बच्चा है और बिल्कुल, बच्चा बोलता भी नहीं। यानी जब से वो पैदा हुआ वो बोलता नहीं था। जी खुदा उनका शुक्र करते वो हैं, सारा बोलता इज्जत नहीं। जलाल खुदा उन्हें यीशु मसीह नासरी को देते हैं। पर मैंने इस बच्चे की तस्वीर जो है, मुझे जब भेजी गई तो मैंने मैसेज में तो नहीं देखी, मुझे गैलरी में नजर आई, और उसके बाद मुझे मैसेज भेजा गया। पर मैंने मैसेज जब देखा तो उसके लिए संडे को आई वॉज इन द चर्च, जब मैंने देखा हम दुआ की, और वो बच्चा मुझे तब से याद है। मैं बच्चों के मामले में थोड़ा सा जरा कि खुदा ने उस बच्चे के लिए जो हम सब मिलकर दुआ करे थे, और कल याद होगा कल हमने मिलकर दुआ की थी, और कल हीलिंग वेनेसडे था, और आज वो बच्चा जो कभी 4 साल से बोला नहीं है उसके लफ्ज भी बोला है, और आज वो बच्चा सेहत लेके घर भी चला गया, डिस्चार्ज भी हो गया, डॉक्टर्स ने कहा वो खतरे से बाहर है, सारा यीशु मसीह नासरी को। और मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी इंटरसेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि नान साहब कह रहे हो मैंने दुआ की और वो ठीक हो, नहीं जी सबने मिलकर दुआ की है। खाली मेरी दुआ से नहीं, हम सबने मिलकर दुआ की है और खुदावंद ने उसको सुना है। और कल जब हमने मिलकर सबने दुआ की थी, खुदावंद ने उसका जवाब दिया, सारा इज्जत जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी को। आमीन, इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए कि खुदावंद अपना जलाल जाहिर करे।